Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue the maid's order last episode. तो सीन स्टार्ट होती है विक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से. हिंदी एक बिच है ये वो जानती है, बट ये एक्सट्रीम लेवल की हो चुकी है. उसने फ्रेंड के बारे में क्या कुछ नहीं कहा. वो बैड लैंग्वेज यूज़ करती है, वो ड्रिंक करती है, वो सेक्स एडिक्टेड है, और ये सब बोलकर उसने मैगजीन पर यह पब्लिश किया है. नहीं, ये जो भी हो रही है ना, मैं इसे ऐसे ही होने नहीं दूंगी. मुझे ही कुछ करना होगा. यूकी अभी भी हेदी की हाउस काम करती है, तो वो उसे मिलने के लिए वहाँ पर जाती है. अगर उससे पॉसिबल होती ना, तो वो हेदी को जाकर किक मारती, बट ना वो पॉसिबल नहीं है. फ्रीन को तुमने जैसे हर्ट किया ना, अब मैं तुम्हें भी वैसे ही हर्ट करूँगी. वेट, अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ प्लान सोचती हूँ. बेकी डोर पे नॉक करते ही यूकी डोर ओपन करती है. हे, आर यू ओके? यूकी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इस टाइम पे बेकी यहाँ होगी. बेकी चुपचाप सामने की ओर जाती है. तुम इतने बदतमीज़ कैसे हो? ये तुम्हें भी पता है कि फ्रीन ऐसा पर्सन नहीं है. इस फकिंग बिच को मेरे घर में कौन घुसने दिया? ऊपर से हेदी कहती है. फ्रीन कैसा पर्सन है ये मुझसे बेटर तुम जानते हो ना. तुम्हारी जैसी एक मेड के लिए उसने मुझे छोड़ा है, और मैं एक बैड पर्सन हूँ? तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे झूठ बोलते गए? मैं पुलिस को बुलाऊँ? इससे पहले यूकी तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ. ये कहते ही हेदी चली जाती है. बिक्की उसे फॉलो करना चाहती थी, पर पीछे से कोई उसे रोक लेती है. काम डाउन बिक्की, चलो यहाँ से, मेरे साथ चलो. यूकी बिक्की को फोर्स करते हुए लेकर जाती है, कॉज वो इस टाइम पे हेदी के ऊपर बहुत गुस्सा थी. शांत हो जाओ, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगी. फ्रेन कैसी है? बिक्की कहती है, फ्रेन ठीक नहीं है, वो बहुत सैड रहती है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है. बट क्यों? हेदी आस करती है. बिक्की कहती है, कॉज वो लोग अब नहीं चाहता है कि अब वो फ्रेन के साथ काम करे जब तक कि ये इशू कंप्लीट नहीं हो जाती. वो लोग चाहती है फ्रेन थोड़ी ब्रेक ले ले. यूकी जब बिक्की को कार तक छोड़ने के लिए जाती है, तो वो नोटिस करती है बिक्की के नीचे की क्लॉथ भीगी हुई थी. बिक्की, आर यू ओके? आई थिंक हमें हॉस्पिटल जाना होगा. वो जल्दी से बिक्की को बैक की सीट पर बिठा देती है और खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाती है. तुम्हें फ्रेन ने अलाउ कैसे किया? तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था बिक्की, अब तुम्हारी हालत देखो, यूकी ड्राइव करते हुए कहती है. बिक्की कहती है, ऐसा नहीं कि यह बाय मिस्टेक हो रही है, कॉज उसकी डेथ अभी बाकी है. हो सकता है एलियन इस दुनिया में आने के लिए जल्दबाजी कर रही है. बिक्की जल्दी से फ्रेन को कॉल करती है और वो कहती है कि वो हॉस्पिटल जा रही है. फ्रेन वहाँ से कहती है, इस हालत में तुम ड्राइव कर रहे हो? बिक्की कहती है, नहीं, यूकी ड्राइव कर रही है. वो फ्रेन को उस हॉस्पिटल की एड्रेस देती है जहाँ पे वो लोग जाने वाले हैं. तो फाइनली 8 घंटे मेहनत करने के बाद एलेन इस वर्ल्ड पर आती है. फ्रेन और सैम हॉस्पिटल में आती है बिक्की और एलेन को देखने के लिए. सैम बहुत हैप्पी था कि फाइनली वो उसकी सिस्टर को देख रही है. एलेन पेट्रिसिया चंकमा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी आंखें और उसकी हेयर कलर पूरी बिक्की पर गई है. अगले सीन में फ्रेन बिक्की और एलेन को लेकर घर आ जाती है. अब हेंग और नम एक साथ रहता है. सब लोग खाना खा रहे थे और बिक्की ऊपर अपनी शावर कंप्लीट कर रही थी और फ्रेन एलेन को खिला रही थी. हेंग कहता है, सो नाउ आर यू हैप्पी? फ्रेन कहती है, अगर हेदी उसके साथ ये सब नहीं करती, तो वो भी उसे डिवोर्स के लिए इतनी फोर्स नहीं करती. बट नाउ वो 90% हैप्पी है. उसे पता है हेदी के साथ इस डिवोर्स को लेकर उसे बहुत फाइट करनी होगी, एंड वो करेगी, कॉज उसे अपनी पूरी लाइफ बिक्की के साथ बितानी है और एक हैप्पी फैमिली की तरह. खाना कम्प्लीट होने के बाद हैंग और नम उसे गुड बाय कहता है. फ्रेन एलेन को लेकर उसके बेडरूम में आती है और उसे सुला देती है. ना वो अपने बेडरूम में थी, वो अपनी जींस पैंट को ओपन करती है और बेड पर लेट जाती है. बिक्की की शावर कंप्लीट हो जाती है, वो डोर ओपन करके बाहर आती है.
अंदर तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? तुम गिर तो नहीं गए थे ना? आई होप ये शावर तुम्हें थोड़ी रिलैक्स फील दे। फिर लेटे हुए कहते हैं, बेकी कहती है, अगर आपको मेरी इतनी ही केयर है ना, तो मेरे सामने आकर मुझसे आकर पूछो। ओह गॉड, मैं इतनी गुस्सा क्यों कर रही हूँ? फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, इट्स ओके बेबी। बेकी आकर उसके लिप्स पर किस करती है। फिन उसकी हेड को होल्ड करते हैं और उसके लिप को लेक करते हुए उसे एक बार बाइट करती है। बिकी फिन को छोड़ने से पहले अगेन उसे एक बार किस करती है। मैं आपको ज़्यादा एक्साइटेड नहीं कर सकती, कॉज हम अभी सेक्स नहीं कर सकते, फिन कहती है। बट तुम्हारी माउथ तो काम कर सकती है ना? बिकी कहती है, बट उसके लिए मैं अभी बहुत टायर्ड हूँ, फिन कहती है। ओके, जब तक एलेन उठ नहीं जाती है तब तक हम कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं, बेकी कहती है। उससे पहले कि आप मेरी एक काम करोगे, मैंने कार में अपनी फ़ोन छोड़ कर आई है, प्लीज़ आप उसे जाकर ले आओगे? फिन कहती है, हम सो जाते हैं ना, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी फ़ोन ले आऊँगी, उसमें तुम्हारी फ़ोन की इम्पोर्टेंस चली नहीं जाएगी। बट बिकी उसके पास जाकर बैठती है और उसे रिक्वेस्ट करती है, जिससे फिन मान जाती है और वो अगेन अपनी शर्ट और पैंट पहनती है और नीचे कार में आती है। वो जब उसकी फ़ोन लेती है तभी वो नोटिस करती है एक और लेटर थी। फिन उस लेटर को लेकर घर में वापस आती है। ये क्या है? बिकी आस करती है। हेडी ने मेरे लिए कोई लेटर छोड़ा है। बिकी जाकर उसे ओपन करती है। हेडी ने लिखा है, हाय फिन, आई डोंट नो मैं कैसे कहूँ, पर मैं रियली तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ उस सब के लिए जो मैं तुम्हारे साथ की है। आई एम सॉरी मैंने पब्लिकली तुम्हारे बारे में इतना बैड कुछ कहा, बट नाउ मैं सच में गिल्टी फील कर रही हूँ। आई होप कि तुम अभी ठीक हो और तुम्हें डिजर्व भी करते हो। बेकी एक अच्छी पर्सन है, उसका ख्याल रखना और उसके साथ रहना। ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस योर न्यू बेबी, ये तुम्हारे लिए है। वैसे तो ये एक माफ़ी ही है, बट फिर भी मैं ऑफिशियली सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगूंगी। मैं कितनी इडियट थी कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। ऑल्सो मैं बेकी से भी सॉरी कहूंगी, मैंने उसके साथ भी बहुत बैड बिहेव की थी। आई होप ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैं, तुम और बेकी एक अच्छी फ्रेंड बने। तुम दोनों के लिए अगेन कंग्रेचुलेशंस। उस लेटर के साथ साथ में फिन नोटिस करती है एक पेपर्स थी। फिन उस लेटर को बेकी के हाथ में देती है। वो क्या है? बेकी आस करती है। फिन कहती है कि वो डिवोर्स पेपर है जो हेडी ने ऑलरेडी साइन कर दिया है। व्हाट, इज सीरियस? हेडी ने साइन भी कर दिया? सो क्या आप रेडी हो साइन करने के लिए? फिन नोट करती है। बेकी जाकर पेन ले आती है। फिन पेपर पर साइन कर देती है। नाउ फाइनली ऑफिशियली वो और हेडी के बीच कुछ भी नहीं है, बस जो भी कुछ है वो सैम की वजह से है। फाइनली बिना कोई ड्रामा के हम एक साथ रह सकते हैं, फिन कहती है और बेकी को हग करती है। चलो अब थोड़ी टाइम के लिए सो जाते हैं, बिकी नोट करती है। आर यू हैप्पी ना? फिन आस करती है। बिकी कहती है, पर आप क्यों पूछ रहे हो? कस नाओ अब तुम मिस चंकीमा बनने वाले हो, बिकी कहती है। किसने कहा मैं ही चाहती हूँ? ये कहते ही वो अपनी आंखें घुमाती है। ओके अब सो जाओ, आई लव यू, आई लव यू टू, बेकी कहती है और सो जाती है। फिन भी एकदम उसके पास में ही सो जाती है, बट जब उसकी आंखें लगती है तभी उसे एलेन की रोने की साउंड आती है। वो एलेन के बेडरूम में जाती है और उसे अपनी गोदी में लेती है। फिर वो उसे संभालते हुए सीढ़ी उसे नीचे आती है और सोफे पर उसके साथ सो जाती है। इट्स ओके बेबी, यहाँ पर बस तुम और मैं हूँ। एंड फाइनली एलेन भी चुप हो जाती है। नाउ अब कोई परेशानी कोई ड्रामा ना होने की वजह से फिन अब थोड़ी चैन की सांस ले सकती है। ऑल राइट ब्यूटीफुल, और इसी के साथ
द मेड्स ऑर्डर की ये स्टोरी एंड होती है। सो फाइनली बी माई वाइफ एंड देन ये स्टोरी द मेड्स ऑर्डर एंड होती है। पर गैप सीजन 4 एंड नहीं हो रही है बिकॉज मे बी वो बहुत लॉन्ग है। इट्स ओके, अब गैप सीजन 4 को ही मैं कंटिन्यू करूँगी एंड आगे और कोई फिनबैक की फैन स्टोरी नहीं लूँगी। अगर कोई स्टोरी न्यू मैं ऐड करूँगी तो वो एक रियल स्टोरी ही होगी, लाइक नोबेल से। सो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं बहुत जल्द गैप सीजन 4 की नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। बाय बाय।